हाय एवरीवन, मैं विकास आप सभी का अपने किचन में स्वागत करता हूँ। आज हमारे किचन में बनेगा चिली पटेटो। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत मज़ेदार होता है इसका टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे बनता है आसान तरीके से चिली पटेटो। तो देखिए, चिली पटेटो बनाने के लिए हमने जो सामग्री ले रखा है, थोड़ा सा लहसुन छील रखा है, थोड़ा सा धनिया पत्ता कट कर रखा है, टोमेटो केचप ले रखा है, सोया सॉस ले रखा है, थोड़ा सा विनेगर ले रखा है एक चम्मच के आसपास, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा बना लिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, और थोड़ा सा इसमें जो मसाला में हमने बनाया है जीरा, गोल मिर्च और गरम मसाला डाल करके बारीक कर लिया है, और इधर शिमला मिर्च कट करके रख लिया है। चलिए, और ये लगभग आपका 200 ग्राम के आसपास आलू है, तो जैसे भुजिया काटते हैं उस टाइप का शेप में काट लिया हमने। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कैसे आसान तरीके से आप चिली पटेटो बना सकते हैं। तो देखिए, चिली पोटैटो बनाने का सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जो आलू हमने कट कर रखा है, इसमें थोड़ा सा हम आटा का चावल मिलाएंगे और अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार में सारे आटा का चावल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके मिक्स करना है। जब लगेगा आपको पूरा कोटिंग हो चुका है, तब चावल का आटा डालना बंद कर देना है। और इधर देखिए, हमने कढ़ाई गैस पर चढ़ा रखी है, कढ़ाई बिल्कुल हीट होना चाहिए और जो ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए बिल्कुल हाई होना चाहिए, तभी आपका बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार होगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर भी ले रहे हैं, मक्का का आटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जो चावल का आटा है उनसे भी बिल्कुल बेहतरीन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास अवेलेबल था इसलिए हमने दोनों का यूज़ किया है। देखिए, कोटिंग हल्का सा हो चुका है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला लेते हैं ताकि कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। तो लगभग देखिए, हम चम्मच से डाल रहे हैं, लगभग 2 चम्मच के आसपास पानी डाला है, और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिलाएंगे क्योंकि कम लग रहा है मात्रा इसका, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कोटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुका है। तो अब हम कढ़ाई की ओर चलते हैं और कढ़ाई में ऑयल डालते हैं, इसको बिल्कुल हीट करते हैं। देखिए, हमारा जो ऑयल है रिफाइन ऑयल का हमने यूज़ किया है, अब बिल्कुल हीट है। तो चलिए, अब जो हमने आलू के पीसेस बना रखे हैं उसको फ्राई करते हैं। आलू के पीसेस जो भी हमने कोटेड कर रखा था उसको डाल दिया है, थोड़ा देर वेट करते हैं, थोड़ा सा लग जाएगा, उसके बाद हम इसको चलाएंगे। देखिए, हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई है और तेल बिल्कुल गर्म था, तो आप इसका खास ध्यान रखें कि फ्लेम आपका बिल्कुल हाई होना चाहिए। अगर कम फ्लेम पर पकाएंगे तो जो आपका आलू का पीसेस होगा ना, क्रिस्पी नहीं होगा, वो पक तो जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं होगा। तो क्रिस्पी करने के लिए फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए। अब देखिए, हम थोड़ा सा चलाते हैं इसको, देख रहे हैं आप, सारे अलग अलग हो चुके हैं। इसको ब्राउन होने तक वेट करते हैं और अच्छे से फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं, हमारा जो आलू का पीसेस है लगभग 70% तक फ्राई हो चुका है, बिल्कुल खन खन की आवाज़ आ रही होती है। थोड़ा सा और ब्राउन होने तक वेट करते हैं, फिर इसको तेल से बाहर निकालेंगे। देखिए, हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल पक चुका है, आप दिखा पा रहे हैं। अब इसको अलग हम निकालते हैं ऑयल से बाहर। देखिए, हल्का ब्राउन, रेड टाइप का ब्राउन का कलर आ गया है, ये बिल्कुल तैयार, आप देखेंगे ना बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। आप इसको अब अगला प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं और जो बाकी का तेल है उसको पहले निकालते हैं। देखिए, जो ज़्यादा तेल था हमने बाहर निकाल लिया है, थोड़ा सा तेल इसमें छोड़ा है, और जो आपको येलो येलो दिख रहा है ना, वो अरारोट है और चावल का आटा जो इसमें बच गया था। जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें लहसुन थोड़ा सा डालेंगे, तो कट कट के रखा हमने। उसके बाद प्याज डालते हैं, उसके बाद शिमला मिर्च डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे थोड़ी देर, लगभग 1 से 2 मिनट तक। देखिए, थोड़ा सा हमने प्याज ऐसे शेप में कट करके रखे थे वो डाल दिया, अभी वो थोड़ा सा लेट डालना है। अब इस स्टेप पे थोड़ा सा लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने बना रखा है वो डाल रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से चलाएंगे। देखिए, इसका लगभग कच्चापन जो है वो निकल चुका है, अब वन बाई वन जो भी चीज़ें हैं वो मिक्स करेंगे इसमें। देखिए, ये चीज़ें हमारी बिल्कुल पक के रेडी है। अब इसमें जो मसाला हमने बना रखा था वो डाल दिए और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी। अगर आप नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप इसको एवॉइड कर सकते हैं, और इसको लगभग 30 सेकंड तक चलाएंगे। तो 30 सेकंड लगभग हो चुका है, देखिए फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टोमेटो केचप जो ले रखा था वो डालते हैं, थोड़ा सा इसमें देखिए सोया सॉस डाल दिया, इसको चला लेते हैं, और हमने थोड़ा सा विनेगर ले रखा था वो डालेंगे अभी।
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाएंगे। देखिए बिल्कुल हमारा जो इसका चिली पटेटो की ग्रेवी है बिल्कुल तैयार है, और हमने जो आलू फ्राई कर रखे थे उसको डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल ड्राई चिल्ली पटेटो बन के रेडी है। आप अपने किचन में बनाइए और हमें बताइए आपका कैसा बना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।